जाहिर सी बात है जिस तरीके से देश में अर्थव्यवस्था में मंदी छाई हुई है, बेरोजगारी अपने पिछले 50 साल के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। आपने देखा होगा सैकड़ों बच्चे ऐसे मर गए, यहाँ गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से बच्चे मर जाते हैं, और एक तरफ लोग मेडिकल टूरिज्म के लिए जाते हैं सदर मिलकर, और ऐसे प्रोविजन आ रहे हैं क्योंकि जो डेमोक्रेटिक वॉइस है जो भी सरकार के खिलाफ बोलती है उसको तुरंत ही टेररिस्ट घोषित करके जेल के अंदर डाल देते हैं। आरटीआई जैसे कानून का क्यों, जो इतना सिटीजन फ्रेंडली, जो सिटीजन को हक देना चाहते हैं, ऐसे कानून का क्यों डाइल्यूट करेंगे। सबसे पहले मैम आपका नाम? मेरा नाम अपेक्षा है, मैं JNU की छात्र हूँ। मैम UAPA कानून वापस लेना, इस पर आपका क्या, आप प्रतिरोध कर रहे हैं इसका, मतलब क्यों? सवाल ये है कि क्यों? मोदी सरकार का कहना है कि ये कानून इसलिए बनाया गया है ताकि आप आतंकवाद पर, जो भी आतंकवादी गतिविधियां उन पर रोकथाम हो, फिर इस रैली का क्या मोटिव क्या है? देखिए रोकथाम हो तो उनका कहना है, लेकिन इतिहास गवाह है, हम सब देख चुके हैं कि टाइम एंड अगेन UAPA का जो कानून है उसके तहत जिन लोगों को कैद किया जाता है, जिन लोगों को जेल के अंदर किया जाता है, उन्हें ट्रायल भी अलाउ नहीं किया जाता है, वो ज़्यादातर लोग या तो ऐसे लोग होते हैं जो एक्टिविस्ट होते हैं, जो पिछड़े तबके के लोगों की आवाज़ें उठाते हैं, या तो वो ऐसे लोग होते हैं जो समाज में सबसे पिछड़े, सबसे दबे कुचले तबकों से आते हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं, चाहे आप दलितों की बात करें, मुसलमानों की बात करें या आदिवासियों की बात करें। मतलब अगर आदिवासी अपनी जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ाई कर रहे हों तो उसके लिए उन पर UAPA लगा दिया जाता है, अगर मुसलमान अपने हकों की लड़ाई कर रहे हों उस पर UAPA लगा दिया जाता है। तो इवन दो सरकार ये बात ये कहती है कि हाँ UAPA का मिसयूज़ नहीं होगा, हम सबको पता है कि ऐसा। रिसेंटली आपने देखा होगा न्यूज़ में कि अभी रिलीज़ हुए थे 5 कैदी जो 23 साल से अंदर थे, जेल के अंदर थे, और देवर एब्सोल्युटली एक्विटेड ऑफ ऑल चार्ज, दे हैड नो चार्जेस, देवर इनोसेंट एंड देवर बिहाइंड बार्स फॉर 23 ईयर्स। सो वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके का रोल प्ले कर रहा है, और इससे हमें, मतलब अगर आप एक्चुअली जेल के अंदर की डेमोग्राफी समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि UAPA जैसे काले कानून एक्चुअली क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए, और ये सब टाइम एंड अगेन हमारे जैसे बहुत सारे संगठन यहाँ पे जिन्होंने इस चीज़ पे रिसर्च कैरी आउट किया है, जो सिविल लिबर्टीज़ के लिए काम करते हैं, तो उन सभी चीज़ों को, उन सभी तथ्यों को दिमाग में रखते हुए हम ये अपील आज यहाँ से कर रहे हैं। RTI का भी डल्यूशन इसी वजह से किया जाए, मतलब RTI जैसे कानून को आप क्यों, जो इतना सिटीज़न फ्रेंडली, जो सिटीज़न को हक देना चाहते हैं, ऐसे कानून को आप क्यों डाइल्यूट करेंगे जब आपके पास कुछ छुपाने के लिए हो? RTI के एक्टिविस्टों को क्यों मारा जाएगा? अगर सर, मतलब RTI का कानून सिर्फ इतना कहता है कि हम आम जनता के हिसाब से हम सरकार से कुछ सवाल पूछ सकते हैं, और सरकार को उनकी अकाउंटेबिलिटी ड्यूटी है कि वो जवाब दें। सवाल है कि UAPA कानून वापस लो, पर सवाल ये है कि क्यों? क्योंकि मोदी सरकार का कहना है कि ये कानून आतंकवादी गतिविधियों पर रोकथाम करने के लिए, तो आप इस रैली का, मतलब क्यों आप इसके अगेंस्ट? देखिए UAPA कानून की जहाँ तक बात है उसमें अभी संशोधन लाया गया है जिसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट हुआ है, लेकिन हमारी मांग केवल उस संशोधन को हटाने की नहीं है, पूरे UAPA कानून को हटाने की है। जो मोदी सरकार ने नहीं लाई थी वो 1967 से एग्जिस्ट करता है, कांग्रेस सरकार ने लाया था और मोदी सरकार ने उसी का यूज़ करके आगे अपना काम किया है, जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस को उन्होंने आवाज़ को दबाया है। हम लोग इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि UAPA में ऐसे प्रोविजंस पहले से थे और अब संशोधन मिलकर और ऐसे प्रोविजंस आ रहे हैं जो कि जो डेमोक्रेटिक वॉइसेस हैं, जो भी सरकार के खिलाफ बोलती हैं, उनको तुरंत ही टेररिस्ट घोषित करके जेल के अंदर डाल देने का काफ़ी आसान तरीका निकाल लिया गवर्नमेंट ने, और ये काफ़ी एंटी डेमोक्रेटिक है हमारे हिसाब से, इसलिए किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में इसका इसकी जगह नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये विरोध हो रहा है। आपको क्या लगता है कि एक इंसान का पर्सनल स्पेस या आइडेंटिटी पे कितना खतरा है? ये बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि पहले होता क्या था कि UAPA में इंडिविजुअल्स को पकड़ा जाता था लेकिन हमेशा उनके लिंक खोजे जाते थे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन से उसका लिंक है क्या, और उसके लिए ही उनके जो लिटरेचर पाए जाते थे वो चाहे कोई रिलीजियस लिटरेचर हो चाहे कुरान हो, हमने देखा है कुरान पाए जाने पर भी लोगों को जेल हुई है, इसके साथ साथ चाहे वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हो, मार्क्सिस्ट लिटरेचर हो, एनार्किस्ट लिटरेचर हो, तो किसी को पढ़ने के अधिकार पर भी कि मुझे अगर रिसर्च भी करनी है, कोई आतंकवादी गतिविधियों में मैं शामिल नहीं हूँ, सोचता भी नहीं वैसा, लेकिन मुझे रिसर्च करनी है, उसके लिए भी मेरे पास कुछ किताबें हैं, तो सरकार उस पर नज़र भी रख सकती है और सरकार उसको रोक भी सकती है। और पहले इसको आप, हमारा लिंक ढूंढा जाता था ऑर्गेनाइजेशन से जो भी इसके अंदर डाले जाते थे, अब इंडिविजुअल्स को भी टेररिस्ट घोषित करके स्केड्यूल 4 में रखा जा सकता है, और ये बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि एक तरीके से आप जो सोचते हैं, सोचने पर भी आप कुछ भी उसका एक्शन अगर लेंगे, चाहे आप किताब पढ़ रहे हों
चाहे आप सरकार के खिलाफ फेसबुक पे कुछ लिख रहे हो, आपको इस कानून के अंदर डाला जा सकता है। तो ये एक तरीके से राइट टू स्पीच के साथ साथ राइट टू थॉट का भी एक बहुत बड़ा वायलेशन है। क्या लगता है आपको कि सरकार तक आवाज़ पहुँच पाएगी युवाओं की या लोगों की जो इस रैली के अगेंस्ट है? हमारी उम्मीद है कि पहुंचनी चाहिए, लेकिन सच्चाई यही है कि आज जनता के बीच में हमारी पकड़ धीरे धीरे पीछे गई है प्रोग्रेसिव फोर्सेस की। और जो बीजेपी का प्रोपेगेंडा रहा है इन सालों में इतने ज़्यादा फंड के साथ, क्योंकि सारे पर्स स्ट्रिंग खुले हुए हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के, हमने देखा कांग्रेस पार्टी ने भी एडमिट किया था, तो उससे जो जहर उगलाया गया है, उनका प्रोपेगेंडा चलाया गया है, उसकी वजह से वैक्यूम में कोई चीज़ नहीं रहती है। उनका प्रोपेगेंडा जाएगा तो हमारा प्रोपेगेंडा पीछे जाएगा, लेकिन कोशिशें जारी हैं, जॉइंट प्रोसेसेस चल रहे हैं, जॉइंट एक्शन चल रहे हैं रेवोल्यूशनरी और प्रोग्रेसिव कैंप में, कि ये जो जितने भी एंटी डेमोक्रेटिक स्टेप्स उठाए जा रहे हैं इनको एक्सपोज किया जाए। और मेरे ख्याल से अगर हम लोग इसमें डटे रहे तो धीरे धीरे हम लोग ग्रेजुअली, नॉट सडन लेकिन ग्रेजुअल रूप से हम लोग आगे बढ़ेंगे और जनता तक हमारी आवाज़ और सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी। शुक्रिया सिद्धांत। विशाली, आपकी रैली का नारा है कि यूएपीए कानून वापस लो, जबकि सरकार ये दावा कर रही है कि इस कानून को लागू करने का मकसद ही है कि आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उन पर रोकथाम हो। मेरा मतलब एक सवाल है वैसे सरकार से, अभी हालिया एक खबर ये आई है कि आरएसएस जो संगठन है वो जगह जगह अपने मिलिट्री स्कूल्स खोलने वाला है, तो मिलिट्री स्कूल्स खोलने वालों को परमिशन दी जा रही है और जो मजदूरों के, छात्रों के, नौजवानों के हकों अधिकारों की बात उठा रहे उनको ये आतंकवादी का ठप्पा लगा करके उनकी बोलती बंद कराना चाहता है। तो यूएपीए बिल किसके हक में है? भगत सिंह ने भी कहा था कि कोई भी कानून की पवित्रता तब तक ही हो सकती है जब तक वो जनता के पक्ष में हो, और जाहिर सी बात है जिस तरीके से देश में अर्थव्यवस्था में मंदी छाई हुई है, बेरोजगारी अपने पिछले 50 साल के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, छात्र नौजवान से लेकर किसान सड़कों पर उतर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यूएपीए का कानून उन संघर्षरत जनता के हक में नहीं आएगा, उनके लिए काम नहीं आएगा। ये जो सत्ता में बैठे हुए आज सरकार है, जो पूरी तरीके से बड़े मालिकों, टाटा बिरला अंबानियों, पूंजीपतियों के तलवे चाटने का काम कर रही है, ये उनके काम आएगा। अभी जो मसला उठना चाहिए वो है रेलवे के निजीकरण का मसला, जो 7 जगह रेलवे की कोच फैक्ट्रीज हैं उनका निगमीकरण कर दिया गया है, जिस तरीके से जेट एयरवेज को डुबाया जा रहा है, बीएसएनएल को डुबाया जा रहा है, ये सारे मसले छोड़ करके सरकार अब उन्हीं लोगों को आतंकवाद का ठप्पा लगाना चाहती है उनके ऊपर जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले। यूएपीए एक्ट आपको कैसे, आप कैसे कह सकते हैं कि ये काला कानून है? जी, मेरा नाम विशाल है और मैं यहाँ दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में पढ़ता हूँ, पेंटिंग पढ़ता हूँ और दिशा छात्र संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। और ये जो प्रोटेस्ट यूएपीए के खिलाफ हम लोग कर रहे हैं, दरअसल मोदी सरकार कहने को तो बहुत कुछ कह रही है, संसद में पहले ही अमित शाह से पहले उनके मंत्री कहते हैं कि हिंदू आतंकवाद को बदनाम करने के लिए, हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए टाडा पोटा और इस तरह के कानूनों का इस्तेमाल किया गया है। ठीक उसके बाद संसद में उठ के अमित शाह बड़ी बेशर्मी से कहते हैं कि नहीं, इस तरह के किसी भी कानून का कोई गलत इस्तेमाल नहीं हुआ और सिर्फ प्रिसाइजली आतंकवादियों को टारगेट करने के लिए और देश को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। मगर यूएपी आज से नहीं है, और भी तमाम तरह के कानून है जिसमें कि ट्रायल के बाद बकायदा जब जुर्म साबित हो जाता है तो वहाँ पे आप अरेस्ट करते हैं, डिटेन करते हैं, आतंकवादी घोषित करते हैं। मगर अभी जो ये जो अमेंडमेंट हुआ है जो अब राज्यसभा में भी पास हो गया और हमारे देश का एक कानून का हिस्सा है, वो बहुत ही ज़्यादा गैर डेमोक्रेटिक है और खुले तौर पर ये कहता है कि सरकार किसी को भी वो घोषित कर सकती है, आपको भी आतंकवादी कह देगी कि आप आतंकवादी हैं। क्या लगता है आपको इससे इंडिविजुअल आइडेंटिटी को कितना फर्क पड़ेगा, मतलब एक इंसान की जो एक निजी होता है, निजी स्पेस, वो कितना ज्यादा खतरे में है? देखिए, निजी स्पेस को तो फर्क पड़ेगा ही, और सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा उस तबके को, उन लोगों को जो आज इस देश में जब गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, फी हाइक हो रही है, हायर एजुकेशन में जो गरीब घर से बच्चे आते थे वो पढ़ नहीं पा रहे, मतलब पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का दर है, इन सब के खिलाफ जो जनवादी ताकतें आवाज़ उठाएंगी, जब लोग सड़कों पर उतरेंगे तो सीधे मजदूरों को कह दिया जाएगा ये आतंकवादी हैं और इनको यूएपीए के तहत राष्ट्रद्रोह का कानून लगा के अंदर कर दिया जाएगा। और आज पूरी मीडिया जो इनके साथ है वो इस तरह से प्रचारित भी करेगी कि घर में बैठा एक इंसान, मिडिल क्लास के लोग, लोअर मिडिल क्लास के लोग जो ये नहीं जानते कि इस खबर के पीछे की सच्चाई क्या है, पटना में बैठे, मुंबई में बैठे लोग दिल्ली में आपको बोल देंगे कि आतंकवादी है, उनको नहीं पता आप एक्चुअली क्या है, मीडिया भी पोर्ट्रे करेगी आतंकवादी और आतंकवादी हो जाएंगे, तो ये कितना खतरनाक है। एक पूरा जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसको, उसके ताबूत में ये कील ठोकने का काम किया है सरकार। क्या लगता है आपको कितना सफल रहेगा ऐसे रैली करके और सत्ता को चुनौती देना? देखिए, सफल तो अब और कोई रास्ता बचा नहीं है, जब सरकार आवाम चुनती ही इसलिए है कि उसकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करे, और ये करके सरकार कोई उपकार नहीं करती हम पे, पूरा टैक्स लाखों करोड़ रुपए का हम देते हैं, सड़क पे सोने वाला एक आदमी भी टैक्स देता है जब वो खाना खरीदने जाता है, तो उस टैक्स के पैसे को ये टाटा बिरला
अदाला अंबानी अडानी और नीरव मोदी जैसे लोगों को दे रहे हैं तो लोग भूखे नहीं मरेंगे ना, तब तक अपने बच्चों को उन बीमारियों से मरते देखेंगे जिनका इलाज ढूंढ लिया गया। अभी बिहार में आपने देखा होगा सैकड़ों बच्चे ऐसे मर गए, यहाँ गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से बच्चे मर जाते हैं और एक तरफ लोग मेडिकल टूरिज्म के लिए जाते हैं, तो लोग बैठे नहीं रहेंगे। और ये जो प्रतिरोध हमने शुरू किया सिर्फ इसको यही नहीं रखेंगे, गली मोहल्लों में लेके जाएंगे। हम लोग प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट लीग से भी जुड़े हैं, हम लोग का आर्टिस्टों का एक ग्रुप है, तो हम लोग पेंटिंग्स के थ्रू कल्चरल उसके थ्रू भी गली गली में मोहल्लों में ये पूरा लेके जाएंगे और इस प्रोटेस्ट को और आगे बढ़ाएंगे। और लोग अब सड़कों पर धीरे धीरे उतर रहे हैं और ये जो चीज़ें ये कर रहे हैं ये ज़्यादा दिन तक कारगर होंगी। ठीक है, धन्यवाद। हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं, यूएपीए अमेंडमेंट बिल 2019 के पास होने पर। यहाँ पर मौजूद छात्रों का मानना है कि यूएपीए काला कानून यानी कि मोदी सरकार तानाशाही कर रही है, यानी कि आपको केवल शक के आधार पर ही आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा, मोदी सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, ऐसे नारे दिए जा रहे हैं। मैं पूजा शर्मा, कैमरामैन विद्यासागर पांडे के साथ, ऐसी खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए फोरम 4।